हेलो दोस्तों, आपका माय स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में वार के परिवृत्त से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में वार के अंतर्गत यानी वार के अंदर कैसे वृत्त बनता है, तब तो कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है उसको बताया था। इस वीडियो में देखेंगे कि वार के परिवृत्त यानी अगर कोई वर्ग है तो इसके बाहर परिवृत्त के मतलब बाहर बाहर कोई वृत्त बनाया गया है, तब तो इससे संबंधित देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, समान लीजिए कोई वर हो गया, इसके बाहर बाहर यानी परिवृत्त कोई वृत्त बना है, तो अब इसमें रिलेशन देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, देखिए दोस्तों, वृत्त का व्यास 2r होता है। व्यास कहाँ से मिला लीजिए, देखिए मिला लीजिए इसी को व्यास, व्यास यानी ये क्या हो गया 2r हो गया। देखिए वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वर का विकर्ण। ये वर है तो वर का विकर्ण ये होता है दोनों, तो वर का विकर्ण किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। यानी वृत्त का व्यास बराबर वर का विकर्ण, वर का विकर्ण हमारा हो जाएगा। देखिए वृत्त का व्यास यानी व्यास को क्या कहते हैं, 2r कहते हैं। इधर भी r है, इधर भी r, तो 2r हो गया। और वर के विकर्ण को क्या कहते हैं, वर का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है। तो ये हमारा रिलेशन होता है, सूत्र याद कर सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे a बटा में 2, कटा भी सकते हैं। तो ए बटा आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ए, यहाँ पर टू को क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, यानी दो अंडर रूट 2 है यहाँ पर, तो एक कट जाएगा तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा 2, ए बटा अंडर रूट 2। अगर ए निकालेंगे दोस्तों तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 नीचे चला जाएगा। यानी ए बराबर यही निकाल लीजिए कि ए बराबर अंडर रूट 2 गुणे आर, अंडर रूट 2 गुणे आर, अंडर रूट 2 गुणे क्या आर। ये हो गया हमारा रिलेशन कि अगर आर निकालना हो तो ए चाहिए, ए निकालना हो तो आर चाहिए, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन देखें दोस्तों। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर 12 से 12 वर्ग बना हो, तो उस वर्ग का को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक ना। तो देखिए ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर, किसका माप दे दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया, यानी आर कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर दे दिया और शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है वर्ग को छोड़कर। देखिए अगर आर 7 दे दिया तो ये 7 ये 7 तो कितना हो गया, 14 हो गया। यानी वो व्यास बराबर कितना हो गया, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो उससे गुणा। तो व्यास किसके बराबर होता है, वर के विकर्ण के बराबर। तो वर का विकर्ण कितना हो गया, तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालिए, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7 खत्म तो कितना हो जाएगा 154, गुणा कर दीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब ये पार्ट पूछा है हमसे, ये पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4a² होता है, तो a किसके बराबर होगा, सबसे पहले देखिए व्यास रूट, व्यास विकर्ण के बराबर है, तो व्यास किसके बराबर है, विकर्ण के। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे a होता है, अंडर रूट 2 गुणे a, और व्यास क्या दिया है 14, यानी वर का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। तो वर का विकर्ण बराबर वृत्त का, वर का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, तो ए निकाल लीजिए, ए कितना हो जाएगा 14/√2, ए आ गया। और हम निकाल लेंगे वर का क्षेत्रफल, तो वर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर का क्षेत्रफल, तो वर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए का मान कितना 14/√2, 14/√2 2 बार, 14 14 अगर 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196 बाटा में, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 2 से गुणा कर भाग दीजिए, 2 × 9 = 18, 1 × 2 = 16, तो कितना आ गया 98 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे,
बीच के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष क्षेत्रफल यानी शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 154 आ गया, 154 माइनस ये कितना आ गया 98 आ गया, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 814, ये 14 में से फिर 9 घटा तो 9 5 14 यानी 56 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा शेष क्षेत्रफल आ जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अगर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं इसके लिए आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक याद कर सकते हैं कि 8 बटा शेष भाग के लिए, शेष भाग के लिए 8 बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, 8 बटा 7 गुणे आर का मान कितना, आर का मान दिया था 7, 7 गुणे 7 घटा दीजिए 8 सत्ते 56, 56 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया ट्रिक से। तो दोनों जो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों ये वो याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, ठीक ना, यानी भुजा की माप पूछा है। तो वही देखिए ये वो हो गया वर्ग, और वर्ग के परिवृत्त बना है ठीक ना, बाहर बाहर आ इसके परिधि दिया है, वृत्त की परिधि कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि दे दिया है 100 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 100 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर 100, तो आर अगर निकालेंगे तो 2 पाई नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो आर बराबर 100 बटा 2 पाई ये आ गया इतना सेंटीमीटर ठीक ना। अब हमसे पूछा है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा देखिए दोस्तों अभी आर आ गया ना, ये आधा आ गया आर कितना 100 बटा 2 पाई, तो ये 100 बटा अगर 2 पाई आ गया तो और टोटल कितना हो जाएगा ये, तो व्यास निकाल लीजिए, व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे आर का मान कितना 100 बटा 2 पाई, तो 2 से 2 खत्म कितना आ गया 100 बटा पाई आ गया इसका व्यास, 100 पाई आ गया इसका व्यास, तो व्यास किसके बराबर होगा दोस्तों, व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण यानी अंडर रूट 2 गुणे भुजा के बराबर क्या होगा इसका व्यास होगा, तो व्यास कितना आ गया 100 बटा पाई, 100 बटा पाई। अब ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 नीचे चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा अंडर रूट 2 नीचे चला जाएगा, दोनों के बीच में गुणा है तो अंडर रूट 2 गुणे पाई। अब देखिए दोस्तों आप सब देख रहे हैं तो ऐसा नहीं दिया तो इसको तोड़ दीजिए, और अंडर रूट यहाँ पर है ना तो परिमेयीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा ऊपर नीचे और ऊपर गुणा भाग कर दीजिए ठीक ना, ऊपर गुणा और नीचे भाग कर दीजिए, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 100 गुणे अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुणे पाई, दो से दो खत्म, दो से घटा दीजिए 100 को तो 2 5 10 1 0 तो कितना आ गया 50 अंडर रूट 2 बटा में पाई, इतना आ गया हमारा भुजा प्रत्येक भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ठीक ना, तो एक वर्ग के अंतःवृत्त, तो वर्ग का ये वर्ग हो गया वर्ग, इसके अंतःवृत्त, अंत मतलब अंदर अंदर यानी जो पहले पार्ट में पढ़ा है वो, इसके अंतःवृत्त एक वर्ग हो गया, इसके परिवृत्त, परिवृत्त मतलब बाहर 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 ठीक ना, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्या पूछ दिया है अनुपात पूछ दिया, तो इसका अनुपात निकाल लिया दोस्तों, देखिए तो इसका मतलब कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आर चाहिए, तो आर क्या होता है, आर यानी व्यास भुजा के बराबर होता है, तो व्यास क्या होता है ये पहले पार्ट में मैंने बताया है ये व्यास यानी 2r बराबर भुजा, तो आर निकाल लीजिए तो ए भाई 2 हो गया ये इसका, ये आर निकल गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना ए बटा 2, तो गुणे ए बटा 2 और गुणे ए बटा 2 यहाँ पर लगा देंगे, तो पढ़ लीजिए ए से ए में गुणा तो ए स्क्वायर
पाई बटा में दुदुनी का चार, ये आ गया इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि इस वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, वृत्त का व्यास यानी 2r, वृत्त का व्यास यानी 2r किसके बराबर, वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण यानी अंडर टू गुणे भुजा, ठीक ना। तो r निकाल लेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, तो r बराबर अंडर टू गुणे a बटा में 2, ये आ गया इसका इसका त्रिज्या आ गया, इसको कटा भी सकते हैं मन करे तो, एक बार कट जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा a बटा अंडर रूट टू, ए बटा अंडर रूट टू आ गया इसका त्रिज्या, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो पाई, आर का मान कितना, ए बटा अंडर रूट टू, ए बटा अंडर रूट टू गुणे ए बटा अंडर रूट टू, गुणा कर लीजिए तो पाई ए से ए में गुणा ए स्क्वायर बटा में अंडर रूट टू से अंडर रूट टू में गुणा टू। अब रेशियो पूछा है ना यानी अनुपात पूछा है इन दोनों का, पहले वाला का क्षेत्रफल कितना आया था दोस्तों, पहले वाला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर पाई, ए स्क्वायर पाई बटा में 4 बटा दूसरे वाला का देख लीजिए पाई ए स्क्वायर बटा में 2, तो कटा दी इसको, पाई से पाई खोता हूँ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खोता हूँ, यहाँ 1/2 बचा, 1/2 यहाँ पर 2 बच गया, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी 2/4 हो जाएगा, 2×1 × 2×4 तो कितना आ गया 1:2 आ गया इनके दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक शेयर करना ना बोले, धन्यवाद दोस्तों।